हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 की स्टैटिक्स बुक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन एंड मोड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में बता रखा है डाटा रिलेटिंग टू वेजेस ऑफ सम वर्कर आर गिवन बिलो, फाइंड आउट दी मीडियन वेजेस। तो यहाँ पे वेजेस बता रखे हैं आपको कि वेजेस का एक डाटा गिवन है वर्कर्स का, आपको मीडियन पता करना है। यहाँ पे वेजेस बता रखे हैं कि 20 से लेके 30 जो वेजेस है 25 नंबर ऑफ वर्कर को दिए जाते हैं। सेम इसी तरीके से 30 से लेके 40 रुपीज का जो वेजेस है वो 12 वर्कर को दिए जाते हैं, और सो ऑन 60 से 70 रुपीज का वेजेस सिर्फ 5 वर्कर को दिया जाता है। तो किस तरीके से हम पता करेंगे मीडियन को, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे वेजेस लिखिएगा, नंबर ऑफ वर्कर लिखिएगा और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लिखिएगा। वेजेस में आप वेजेस लिख दीजिए जो भी आप गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर में आप नंबर ऑफ वर्कर लिखिएगा जो भी आपको गिवन है, और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में आपको सब कुछ ऐड करना है। मतलब कि 25 लिखा है तो 25 मेंशन कीजिए, 25 में 12 प्लस करेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 15 प्लस करके 52 हो जाएगा, 52 में 13 प्लस करके 65, और 65 में 5 प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे वो टोटल आप काउंट कर लेंगे, 70 होंगे आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 70 है, मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास 70 आई है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमें जो फॉर्मूला लगाना है ये इवन नंबर है तो n अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाना है। तो 70 अपॉन 2 करेंगे तो 35 टर्म आएगा, 35 टर्म आएगी। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो 35 टर्म है आप देखेंगे कि किसके किसके पास है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में, ये 37 के नियर में है। तो यहाँ पे जो 37 के नियर में है तो ये 25 जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 25 हमारे पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। 12 हमारे पास जो होगा, 12 हमारे पास होगा फ्रिक्वेंसी, और जो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है वो 10 का है। तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है। अब यहाँ पे देखिए लोएस्ट टर्म जो हमारी होगी वो कितनी होगी, वो 30 होगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मीडियन का। यहाँ पे मीडियन के जो फॉर्मूला है इसमें जो लोएस्ट टर्म है वो आपको 30 लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 12 है, इसके सामने 30 आता है, एन अपॉन में 2 आपके पास 35 हो जाएगा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का आपको 25 लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो 35 आया है ये आपका नियर है 37 के, तो एकदम जस्ट आपको अबव वाला लेना होता है। तो 25 आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेनी है, फ्रीक्वेंसी आपको 12 लेनी है, डिफरेंस आपके पास 10 होगा, यही आपको वैल्यू पुट करनी है। 30 प्लस 35 माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि 35 एन अपॉन में 2 था, 35 जो हमने कैलकुलेट कर लिया था। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 25 है डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 10 करेंगे आप। आगे सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 100 अपॉन में 12 होगा, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे 35 में 25 तो 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, तो 100 अपॉन में 12 हो जाएगा। 30 प्लस में 8.33 हो जाएगा, 12 के टेबल में 12 के टेबल से 100 को डिवाइड करेंगे तो 8.33 आएगा। अब यहाँ पे आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये 38.33 आएगा। तो यही हमारा मीडियन है जो हमें कैलकुलेट करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।